हम पोखरा से निकल के थोड़ा बाहर की तरफ आ गए। शायद यहाँ खाना बनाते हैं, चूल्हा है। हाँ जी, पहले सीमेंट लगा के प्लास्टर करके इसको नया चमका दिया है। वाओ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ एक लीटर देती है? विदेश। विदेश बाहर रहते हैं? बढ़िया है, चलो बंद करो, निकल जाएगा। प्रॉपर टॉयलेट बना हुआ है यार। और ये मधुमक्खियां पाल रखी है? ऊपर रास्ता है भाई, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता चल में कहाँ जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और भैया हम पोखरा से निकल के थोड़ा बाहर की तरफ आ गए। एक्चुअली एक बस जा रही थी और बस पे चढ़ गया। मैं कहा कहीं ना कहीं तो एक विलेज में उतारेंगी। और यहाँ की जो सड़कें हैं ना यार, वाकई में बहुत खतरनाक सी है। इतनी खतरनाक सड़कें हमारे यहाँ की नहीं होती। मतलब ये ऊपर ऊपर जो बिल्कुल ही सांप की तरह, सीढ़ी की तरह चढ़ती हुई आ रही है ना बस, बहुत ही खतरनाक। और अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जहाँ बस ने उतारा है, इस जगह का नाम क्या बताया आपने? बैजी बैली मनका मना। ये कोई जगह है बैली बनक्का मना, ये इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, यही बताएंगे। वैसे क्या है, मतलब जगह का नाम है? ये भी कुछ पूछने वाले हैं। ये पता नहीं भैया, यहाँ लगता सारे पूछने वाले आते हैं, हम भी पूछने वाले ही हैं। तो अभी चलते हैं, कह रहे हैं विलेज ऊपर की तरफ है, चढ़ के जाना पड़ेगा। इधर चढ़ जाऊँ रोड रोड से? यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह कहाँ है? नीचे पोखरा में नज़दीक ही है। तो भैया चलो, पोखरा से मैं अराउंड आ गया हूँ, 8-10 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ। पर बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। और यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा है पोखरा का, बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ चिल करने के लड़के लड़के आ रखे हैं भैया। भाई पीछे जाना पड़ेगी ध्यान से, इसकी बाइक ही बंद हो गई। ये एक भी कुछ शॉप है यहाँ लोकल की। नाम क्या है गाँव का? बैली। तो गाँव का नाम बैली है यार, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बाकी जो भी है सब बढ़िया है। यहाँ के लोग बाइक बहुत फास्ट चलाते हैं यार, सू करके निकलते हैं। वो शिव टेम्पल है, वो शांति स्तूप है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। वहाँ से पूरा पोखरा का व्यू नज़र आता है। बादल कड़कड़ा रहे हैं भैया, बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं किसी की कच्ची पगडंडी की तरफ घुस गया हूँ, अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम, चलो देखते हैं। जंगल ही एक तरह से, आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ऊपर घर है, 4:30 बजे की वापसी की बस आएगी, अदरवाइज़ मेरे को जाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम। अच्छा लग रहा है यार, कुत्ता उत्ता ना हो बस। ये कुछ रूम्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ लोग रहते हैं मे बी, पत्थर की वो बना रखी हैं। सांस फूल रही है चढ़ने में। और यहाँ लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर रखी है जलाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए शायद। बादल की आवाज़ आ रही है, आवाज़ ऐसे कर रहा था, बड़ी ख़तरनाक बारिश होने वाली है। यहाँ कोई दिख नहीं रहा यार, ये देखो शायद यहाँ खाना बनाते हैं, चूल्हा है। अभी कोई है नहीं, लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, मे बी घर होगा किसी का, कोई है नहीं, दिख ही नहीं रहा यार। यहाँ मुर्गी वर्गी पालते होंगे। और यहाँ पानी वानी, वॉशरूम कहाँ होगा इनका? शायद आगे पीछे ये वॉशरूम ही है। और ये किसी का घर है, अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, कोई है ही नहीं। हेलो, कोई नहीं मेरे ख्याल से, हम गलत टाइम पे आए हैं शायद, सो सा ना रहे हो कि वहाँ पूजा वूजा करते होंगे, तुलसी वगैरह उगा रखी है। आगे और भी घर हैं। हम पोखरा की लोकल लाइफ, लोकल घरों को देख रहे हैं। एक विलेज है जो एक्सप्लोर करा रहा हूँ आपको, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये सड़क ऊपर से इधर आ गई है। आंटी यहाँ कोई रहता नहीं है क्या, यहाँ पीछे वाले घर में? ये देखो बहुत ही खूबसूरत है, और आगे जाना पड़ेगा। बादल कड़क रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। और बस इसी रोड से आने वाली है, तो थोड़ा इसी रोड पर और आगे बढ़ते हैं। और कह रहे हैं आगे ही विलेज है, काफ़ी डेवलप घर है एक्चुअल देखा जाए तो। वो जो प्रॉपर जो बिल्कुल ही पुराने वाले घर होते हैं ना, मे भी शायद वो एक गांव है, ट्रैक करके जाना पड़ता है यार। वो कल मे भी शायद प्लान करेंगे कल जाने का। बस पे आ रहा था यार, मेरा सर घूमने लग गया था। उसकी वजह भी है, मैं बस में ना उल्टी तरफ बैठ गया था, स्टेयरिंग के पास होता ना ड्राइवर के, वहाँ बैठ गया था। यहाँ जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है यार, देख रहे हो? वाह, वो रहा पूरा विलेज। ये भी एक घर है किसी का, कुछ घर ऊपर है, कुछ घर नीचे हैं। आवाज़ें सुन रहे हैं? मतलब इतनी शांति, इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे। नेचुरल जो ब्यूटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है हर जगह की। वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये घर, बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चे भी खेल रहे हैं। एक्सप्लोर करना हो, ट्रैक वैक करते रहो, अलग अलग घरों को देखते रहो, बहुत ही खूबसूरत है यार। रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, जगह बहुत ही खूबसूरत है। पर ये रोड के ऊपर ही घर है, पर उस साइड जो नज़ारा है ना, खेतों का है। खेत आपके सारे तो देख सकता हूँ आंटी, उस साइड में आ सकता हूँ अंदर? चलो आंटी से पूछ लिया है। ये गेट, ये देखो यहाँ से ना इनका, मैं उधर से देख रहा था चलते हुए आते हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैं क्या पूछ लेते हैं। वाह, ये पूरा इनका, यहाँ खेती गायें वगैरह भी रखी है आपने? गाय रखी है? गाय उधर है।
और ये देखो क्या ही नज़ारा है यहाँ से। ये सुबह जब आँख खुलने के बाद ऐसा नज़ारा हो यार, क्या ही बात की जाए। ये आपकी नहीं है, आपकी जमीन कौन सी है? अच्छा ये वाली आपकी है, बंद गोभी उगा रखी इन्होंने। ये गोबर वाली जितनी जगह है ना ये इनकी है। आंटी को समझ आ रही है हिंदी, पर हिंदी प्रॉपर बोल नहीं पाते। समझ आता है ना थोड़ा थोड़ा? हिंदी समझ आता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन्थ में। तो ये जमीन किन की है वैसे? बाहर वाले किसी और की है? यही को नेपाली को हाँ। ना अच्छा आपकी सड़क के किनारे किनारे है मेरे वो भी आपका पीछे तक का। तो कब बनाया ये घर? घर तो नया बनाया लगता मुझे अभी। रंग लाया घर बना 32 वर्ष। 32 साल हो गए? रंग अभी कराया? हाँ जी, पहले सीमेंट लगा के प्लास्टर करके इसको नया चमका दिया है, रेनोवेट करा है कहने का मतलब। मैं नीचे जा सकता हूँ थोड़ा? चलो और देखते हैं थोड़ा सा। ये मेरे ख्याल से पूजा वूजा करते हैं और यहाँ नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं ये ज़मीन इनकी है। और व्यू देखो क्या ही खूबसूरत है, बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। शोर जो हो रहा है ना, ये किसका है? ये कोयल का, कोयल की आवाज़ है। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ। तो यहाँ की जो पढ़ाई है इंडिया की पढ़ाई के जैसी है? सेम? सीबीएसई तो नहीं होगा? इंग्लिश no. कौन सी क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे? फर्स्ट से पढ़ाते हैं। एग्जाम वगैरह हो रहे हैं? हो गए, अभी एग्जाम चल रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही है। चलो भाई बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इनके वहाँ के खेत है, काफी बड़ा पेड़ है। ये किसका है? शिमल। हाँ इंडिया से, इंडिया दिल्ली से आंटी। गांव देख रहा हूँ। और गायें आपने गाय रखी है या वो रखी है? दो तीन गायें रखी हुई है। मुर्गी वगैरह भी रखी हुई है? मुर्गी खाई ना बाबू। बारिश आने लगी भाई, बारिश। ये एक गाय है यहाँ पे। दूध कितना दूध देती है आंटी एक रोज? देती है 10 लीटर? 1 लीटर दिन का। 1 लीटर बस? 1 वर्ष भाई साहब को ब्याह को। अच्छा सिर्फ 1 लीटर देती है? 1 लीटर। अच्छा बछड़ा, ये बछड़ा इसी का है? पूपी वो भी तो पीता होगा ना? वो भी आपका है? तो ये जो बंद गोभी आप उगाते हो ये खुद के लिए या बेचते हो? हमरो वहाँ रेस्टोरेंट था मनकोमना में। रेस्टोरेंट है वो बस स्टैंड के पास? अच्छा अच्छा आपके लड़के का बंदा वहाँ वहाँ जाके इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बंद गोभी उगाते हो और भी उगता है कुछ? और खाई दियो हिम पर। अच्छा यहाँ बर्फ पड़ता है? स्नो होता है भाई यहाँ पे? बर्फ भी पड़ता है यार। कह रहे हैं भैया इनका रेस्टोरेंट है नीचे बस स्टैंड के पास, तो वहाँ पे ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। ये तुड़ी वगैरह ये गाय वगैरह के लिए रहता है। मुर्गी भी पाली है? मुर्गा भी है? अब सब किया ना, बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए अब नहीं होता है। हमारे वहाँ तो इंडिया में तो इन गोबर से दीवारों को पे भी लेपा जाता है। और यहाँ देखो पक्का अच्छी तरीके से टीन इनको सेव करके बंद कर रखा है। आपके लड़के की शादी हो रखी है? वो नाती हो। अच्छा वो नाती है? हिंदी जानती ना बाबू? नहीं पर फिर भी काफी हद तक समझ आ रही है आप बात कर रहे हैं वही। तो बारिश आ गई, स्टार्ट होगी, इसको ढक रहे। ये फिर इकट्ठा करके क्या करते हो? खेत में डाल देते हो? ये उपजाऊ हो जाता है, खाद में इस्तेमाल करते हैं इसको। वो भी देख रही है भाई मेरे गोबर के साथ क्या कर रहे हैं। इतना ओला पड़ जाता है, कहते हैं पोखरा में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, बर्फ ओले पड़ते रहते हैं, सर्दियों में तो बर्फ भी पड़ती है भाई। अब वेट कर रहे हैं बंद हो जाएगी फिर देखते हैं। सुनौली में बुद्धा जन्म? हाँ बुद्धा जी का जन्म हुआ था वहाँ, गए हो आप? चलो अच्छी बात है, बारिश हो गई है बंद, बाकी बहुत अच्छा। आंटी ये क्रिस्टी विलेज है पोखरा से जस्ट ऊपर की तरफ आते हुए, अगर आप आना चाहो तो डेफिनेटली आ सकते हो। हमारे में तो आप आशीर्वाद देते हैं तो ये आशीर्वाद ले लेते हैं और बस मैं चलता हूँ आंटी। थैंक यू आंटी। एक्चुअली में क्या है मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना 4:30 बजे बस आ जाएगी, बस छूट गई ना तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर थोड़ा सा मैं क्या थोड़ा और घूम लें और एक्सप्लोर कर लें, बारिश बंद हुई है। देखो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा गांव की खासियत क्या होती है? गांव में सारे घर एक जगह नहीं होते, घर होते हैं उसके आसपास खेत बने होते हैं। तो बस उसी तरह से देखो ऊपर भी कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ भी घर बने हुए हैं। आप अगर आ रहे हो पोखरा साइड तो कभी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मन हो आउटबिट तो डेफिनेटली आना ज़रूर। और भैया नहीं आ सको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने भाई का सपोर्ट कर सकते हो हमारी वीडियो के थ्रू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट जरूर करना कुछ भी पूछना हो तो। चलिए थोड़ा इधर से ऊपर चलते हैं, यहाँ भी कुछ घर है। ये सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, आजकल देखा बच्चों को पढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होगा पहाड़ में सीधा रास्ता नहीं होता, तो जितनी ज़मीन होती है उसको कट करके लेवल किया जाता है और उतनी खेती की जाती है, इसको कहते हैं सीढ़ी नुमा खेत। और यहाँ एक छोटा सा घर और है और ऊपर ऊपर फिर खेत है इनके। अब ये किस चीज़ के पता नहीं, हमारे अगर इंडिया होता तो ये सेब के होते। हम आ गए चले गांव साइड बाहर की तरफ, तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ हाथ टाइट है। ये घर आपका? आपके आपका घर है ना? ओके क्या करते हैं आपके हस्बैंड? विदेश।
विदेश बाहर रहते हैं, हिंदी बोल ना कोई बात है, जितना आता उतना से। सऊदी भाई, इनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। हाँ, ये कहते हैं यहाँ पे नेपाल में ना पूरे ज्यादातर जो इनकम सोर्स है, ज्यादातर लोगों के लोग बाहर काम करते हैं, पहली इनकम वो है, सेकंड है टूरिस्ट। बोलना। हेलो, नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा गांव एक्सप्लोर कर रहा था। ये अपने हस्बैंड से मेरे फोन पे बात करा रहे हैं। ओके ओके। हाँ जी, हिंदी नहीं सिखाते? इंग्लिश कहते? यस। ओके, तो वेयर इज योर स्कूल? नहीं पता। ये कितना दूर है यहाँ से स्कूल? एक किलोमीटर है। ठीक है, हिंदी तो आता है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं आता। कई लोग नेपाली नहीं लग रहे, उल्टा मैं नेपाली लग रहा हूँ। यहाँ मुझे कई लोग कह चुके हैं आप नेपाली हो, मैं भाई नेपाली नहीं। नेपाल अच्छा, कौन कौन सी जगह अच्छी है? नेपाल सारा अच्छा है भाई। इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, मैं सोचा घर है यहाँ, तो भैया छोटी छोटी मुर्गियाँ पाल रखी है, कुखरा कहते हैं इसे। वाह वाह वाह, भाग्य भाई, इसको हीट दे रहे हैं, ये बल्ब इससे चलाए जाते हैं। मम्मी पापा अंडा से निकला ना ये, हाँ तो ये इनका बिजनेस है भाई। ये और भी है, यहाँ भी है, बड़े वाले मुर्गे निकल जाएगा। वाह, ये लो जी इनका बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का। कोई नहीं, बात नहीं है ना भाई, भाग गया, भागने लगा था, बढ़िया है, चलो बंद करो निकल जाएगा, आ जाओ आ जाओ। तो भैया वैसे तो हस्बैंड इनके बाहर काम करते हैं और साथ के साथ ये भी काम करते हैं। यहाँ ना लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, सिमिलर लाइक अगर मैं बात करूँ एशियन कंट्री में, थाईलैंड वगैरह में या और कंट्री में, वहाँ भी लेडीज़ बहुत काम करती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा विलेज है, आपके अगर कोई व्हीकल कोई कन्वेंस है तो डेफिनेटली ऊपर आ सकते हो। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ वापसी स्टैंड की तरफ। और ये जो फॉग हो रहा है ना सारा, बताते हैं जो बिहार साइड में खेतों में जो तूड़ी जलाई जाती है उससे धुआं हो रहा है। तो आप यहीं रहते हैं? ये देखो कितना प्यारा, इनका भी घर है रोड के ऊपर ही है, इन्होंने गाय वाय पाल रखी है, वो बुला रही है, आ, आ, कर रही है। तो नेपाल के अंदर चीज़ें महंगी जरूर है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमारे इंडिया से इंपोर्ट होती हैं। गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है अराउंड 200 से 250% तक टैक्स होता है। अगर आप कंपेयर करो कि भैया मेरे को अगर पल्सर बाइक लेनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई 1 लाख की है, मुझे 1 लाख की महंगी लगेगी, वही बाइक यहाँ पे इंडियन के हिसाब से अगर देखोगे तो अराउंड लगभग 2.5 लाख रुपये की है, और फिर भी यहाँ के लोग लेते हैं। पर हम कहते हैं भैया नेपाली लोग गरीब होते हैं, गरीब नहीं है भाई, बहुत पैसा है। हाँ ये ज़रूर है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब है, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, पर ऑन एन एवरेज यहाँ सब लोगों के पास आपको बाइक्स गाड़ियाँ मिल जाएंगी। देखो ये भी एक घर है नीचे, ये गेट सिस्टम है, लाठी लगी हुई है अंदर जाने के लिए, यहाँ भी गाय वगैरह रखी हुई हैं। थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ ना खेती बाड़ी का सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ लकड़ियाँ रखते हैं ये खाना बनाने के लिए, गाय वगैरह जो दूध वगैरह के लिए अपने लिए, कुछ लोगों ने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं, और यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। ये देखो चूल्हा, गैस भी शायद रखी हो पर चूल्हे पे खाना बनता है, शायद गर्म गर्म पानी करते होंगे, मैं बिना बताए घुस ही आ रहा हूँ किसी के घर में। हेलो नमस्ते, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नहीं। तो ये देखो इस तरह से इनके घर होते हैं, ये आगे गैलरी एरिया होता है और फिर शेड होता है, वहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ पे D2H वगैरह ये केबल के लिए, वाईफाई भी है यहाँ पे, आप भी गेस्ट हो यहाँ पे, वो भी है क्या, होम स्टे है, वाईफाई है यहाँ पे। पर ये देखो काफ़ी अच्छा घर है, वेल मेंटेन है और काफ़ी मज़ेदार जगह है। और जो सबसे बड़ी चीज़, ये देखो नज़ारा यार क्या ही खूबसूरत है, यहाँ बैठ के सुबह की चाय पी जाए। और देखो बाथरूम वेल डेवलप है, वॉश मशीन वगैरह लगा हुआ है, ये नहीं कह सकते हम गाँव के अंदर है, वरना गाँव में क्या होता कि लोटा लेके जाना पड़ता है, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर टॉयलेट बना हुआ है यार। और ये मधुमक्खियाँ पाल रखी हैं, हनी निकालते हैं, हनी का भी बिजनेस है। अच्छा ये कॉफ़ी के पेड़ है भाई, ये कॉफ़ी के पेड़ है, मैं पूछ रहा था कि वो पीछे पेड़ कौन से लगे हुए, ये कॉफ़ी के पेड़ हैं। मेरे ख्याल से बस की आवाज़ आ गई है शायद, तो मैं फिर चलता हूँ ऐसे, पर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर सच में, वाकई मैं कहूँगा एक बार ही जरूर विजिट करना। यहाँ के लोग हर तरह की खेती करते हैं, मेरे ख्याल से पोल्ट्री फार्म भी खोल रखा है, हनी बीन भी खोल रखा है, कॉफ़ी भी उगा रखी है, यानी ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। ये बस तो ऊपर आ रही है, नीचे कब जाएगी? तो भैया इस गांव का ये बस स्टैंड है, ये जगह, ये टेंपल बना हुआ है यहाँ पे, और बाहर पीछे यार क्या ही व्यू है, जो यहाँ से नज़ारा है यार क्या ही बोलूँ यार, पूरा पोखरा क्या ही दिखता है भाई। मैं वैसे ऊपर से आ रहा हूँ, मुझे कोई बस जाती नज़र नहीं आई, और ये लोग कह रहे हैं कि बस जा चुकी है, अब समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, अब देखेंगे लिफ्ट मिल जाए या इस रोड पर बस आ जाएगी तो वेल एंड गुड है। छोटू नाम क्या है? सोहन। हिंदी आता है? नहीं आता, नाम पता है सोहन। ये गेट वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे इनका, वो पत्थरों के अंदर छेद करके बैम्बू कर देते हैं, और यहाँ भी कुछ इस तरह का घर है, हल्की हल्की टिप 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 बारिश हो रही है। तो भाई एक रोका है, उन्होंने अपनी भाषा में रुकवाया है, और देखते हैं भाई कहाँ तक छोड़ने वाला है। हाँ ब्लॉक करता हूँ मेरे भाई। तो फाइनली हमें एक छोटी लिफ्ट मिल गई है, पता नहीं कहाँ तक जाने वाला भाई, तो भाई छोड़ रहा है, पर रास्ते बहुत ही खतरनाक से हैं, तो मैं भाई को यही बोल रहा हूँ प्यार प्यार से चलेंगे। भाई ने लिफ्ट दे दी पर थोड़ा
लैंग्वेज प्रॉब्लम थी मेरे को, मेरी नेपाली टाइट और भाई की हिंदी टाइट, पर फिर भी बातें आते करते पहुंच गए। थैंक यू ब्रो। इस ब्लॉग को यही तरह रखते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी। भैया भाई को सपोर्ट कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय।